एटा से हुआ है, एटा से जो अलीगंज विधानसभा का, हम किसी भी बूथ पे नहीं हारे और हर बूथ पे जीतने का काम किया है। लेकिन 27वें राउंड में एकाएक इनको 5913 वोट दे दिए और वहीं से पूरा पासा पलट दिया। मैं कह सकता हूं कि कम से कम 7 से 8 हजार वोट से हम जीतने वाले थे। और अगर प्रशासन क्या करेगा, 40 लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी को जिताने का दम भरने वाले क्या हार की लेंगे जिम्मेदारी? मतगणना के दौरान हुए उपद्रव का कौन जिम्मेदार? क्या कोई लेगा जिम्मेदारी? क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान बबना में हुई बैठक का डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कोई जानकारी नहीं, शमशाबाद में हुई बैठक का नदीम अहमद फारूकी को कोई जानकारी नहीं, बंतल शाहपुर में हुई बैठक उमर खां को कोई जानकारी नहीं, सोता बहादुरपुर में हुई बैठक यूनुस अंसारी को कोई जानकारी नहीं, तो क्या जिले में मठाधीशों से किनारा करवा कर चुनाव लड़वाने वाले विनीत कुशवा और मौलाना इरफानुल हक कादरी प्रत्याशी की हार और मतगणना स्थल पर हुए उपद्रव की लेंगे जिम्मेदारी? तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। 4 जून को जनपद फर्रुखाबाद के सातनपुर मंडी स्थित मतगणना स्थल पर हुए उपद्रव का जिम्मेदार कौन है और सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को जनता द्वारा इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने के बाद गिराने वाला कौन है, क्या कोई लेगा जिम्मेदारी? बीते दिन हुए मतगणना के बाद आज पूरे जिले में इसी प्रकार के सवालों का बाजार गर्म है। आपको बता दें कि जनता ने किसी को नाराज नहीं किया, सबको दिल खोल कर आशीर्वाद दिया। अलीगंज विधानसभा की जनता ने मुकेश राजपूत को 91,916 मत दिए तो डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को 1,13,312 मत दिए। कायमगंज विधानसभा के लोगों ने मुकेश राजपूत को 1,06,571 मत दिए तो डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को 1,17,867 मत दिए। अमृतपुर विधानसभा के लोगों ने मुकेश राजपूत को 92,970 मत दिए तो डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को 78,214 मत दिए। फर्रुखाबाद के लोगों ने मुकेश राजपूत को 1,02,25 मत दिए तो डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को 88,715 मत दिए। भोजपुर विधानसभा के लोगों ने मुकेश राजपूत को 95,243 मत दिए तो डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को 86,377 मत दिए। साथ ही डाक पत्र की बात करें तो मुकेश राजपूत को 1,038 मत दिए तो डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को 800, यानी हर जगह से झोली भर भर के लोगों ने आशीर्वाद। परंतु सपा के कुछ लोगों के अहम के कारण परिस्थितियां विपरीत हो गई। आपको बता दें कि मतगणना के दौरान सपा प्रत्याशी के साथ एक भी ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं था जो हालात को समझता हो, और खैर हालात से सब वाकिफ हैं। अब जिले में ये चर्चा है कि ये हालात बने कैसे और इस हालात का जिम्मेदार कौन है और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। चर्चा ये भी है कि सपाइयों को जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर लोकसभा की जनता का आभार व्यक्त करना चाहिए था, परंतु नहीं किया गया। सपा प्रत्याशी ने अपने फेसबुक पर जनता का आभार व्यक्त किया है। चलो खैर, हम आपको वही सुना देते हैं। नमस्कार, सबसे पहले लोकसभा चुनाव फर्रुखाबाद में हमारे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता हैं और फर्रुखाबाद की सम्मानित जनता है, जिन्हों उन सभी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने डॉक्टर नवल किशोर को भारी संख्या में आशीर्वाद देने का काम किया। और कल से लगातार इतने फोन आ रहे हैं और साथ में मतगणना स्थल के बाहर भी इतने प्रशंसक बाहर मौजूद थे, उन सभी ने मुझे ढांढस बताया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने डॉक्टर नवल किशोर को आशीर्वाद देने का काम किया। साथ ही
सबको पता है कि जनता ने तो आशीर्वाद दे दिया जीत का, लेकिन प्रशासन के चलते और खास कर काउंटिंग के दौरान जिस तरह से खासकर कायमगंज विधानसभा में जिस तरह का दौर चला, मैं कह सकता हूं कि 18 राउंड की काउंटिंग के बाद काउंटिंग 31 राउंड तक की हो गई, लेकिन उसका डिस्प्ले जो 17 सी फॉर्म है, हमारे किसी भी जो एआरओ टेबल पर रहते हैं उनको किसी को कोई फॉर्म नहीं दिया गया। मेरे द्वारा जब व्यक्तिगत अनुरोध मैंने किया तो जस्ट मामूली मात्र के लिए उन्होंने माइक से अनाउंस कर दिया, इवन कि उसको डिस्प्ले पे भी नहीं दिया और ना 17C2 फॉर्म दिया। और बाद में जब मालूम पड़ा आंकड़ों के आधार पे हम लोग 4700 वोट से जीत रहे थे, लेकिन किस तरह से काउंटिंग में घोलमाल करके मुझे हराने का काम किया गया, तो इसलिए कल मैंने पत्रकार साथियों को भी बताया था, मैंने अनुरोध किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको संज्ञान में ले। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा भी एक्सपर्ट ट्वीट किया गया था कि चुनाव आयोग संज्ञान में ले, लेकिन चुनाव आयोग ने संज्ञान में न लेकर और बहुत जल्दी काउंटिंग खत्म ही नहीं हो पाई, खत्म होने के तुरंत बाद ही जीत का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश राजपूत को देने का काम किया। हकीकत में वो 4700 वोट से हार के आए थे, इसलिए मैं खासकर अब आगे की प्रोसेस के लिए जनता ने जो प्यार दिया है, मैं हमेशा आपके यहाँ आने का काम करूँगा और रहने का काम करूँगा, और खासकर अमृतपुर विधानसभा में जो मुझे उम्मीद थी उस उम्मीद के मुताबिक हमको वहाँ रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने दिन रात डॉक्टर नवल किशोर को हराने का काम किया है, उनके लिए भी सम्मानित जनता से कहना चाहता हूँ कि इनको भी आगे भविष्य में सबक सिखाने का काम करना, और न्याय की गुहार के लिए मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में बहुत जल्द अपील करूँगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। साथ ही हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि जिस चीज़ के लिए हमने और आपने संघर्ष किया, खासकर भारत के संविधान को बचाने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के सपनों को भारत बनाने के लिए हम सभी से अनुरोध करेंगे कि वो प्रार्थना करें कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बने ताकि हम सभी को न्याय मिल सके। और इसके साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अलीगंज विधानसभा के हमारे विधानसभा अध्यक्ष बड़े भैया, और इसके साथ में सब बड़े भैया सुभाष साकी जी और अलीगंज विधानसभा के सम्मानित कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बहुत दमदारी से चुनाव लड़ने का काम किया, और जिस तरह से हमें रिपोर्ट आ रही है अलीगंज विधानसभा के जो एआरओ साहब हैं और एआरओ साहब के साथ में वहाँ का पुलिस प्रशासन है, उन्होंने निष्पक्षता से चुनाव की काउंटिंग कराने का काम किया है, इसलिए भी उनको धन्यवाद देते हैं। और साथ में जितने भी हमारे फर्रुखाबाद लोकसभा के हमारे जिला अध्यक्ष जी और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पूरी दमदारी से चुनाव लड़ाया, उन सबके साथ सम्मानित कार्यकर्ताओं और सम्मानित मतदाताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फर्रुखाबाद में इतिहास की जो गुहार की थी, हम लोग न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय से हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय से हम लोग को जरूर न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।